दोस्तों फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। Realme ने अपना नया स्मार्टफोन Realme 5i को लॉन्च कर दिया है जो आपको 9000 रुपये में मिल जाएगा, जहां पर आपको 4GB का रैम मिल जाएगा एंड 64GB इंटरनल मेमोरी मिलेगा। Realme 5i, Realme 5s एंड Realme 5 तीनों फोन ही आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, सिर्फ कलर का डिफरेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा फीचर्स में 19-20 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं Realme से एक ही दरख्वास्त करूंगा, आप कोई भी नया स्मार्टफोन लॉन्च कीजिए पूरा लुकिंग चेंज करके, पूरा फीचर्स चेंज करके, ऐसा कॉपी मत कीजिए अपने स्मार्टफोन का। Realme का कंपटीटर Redmi का भी एक स्मार्टफोन है Redmi Note 8 जो आपको 10000 रुपये में मिल जाएगा, वहां पर भी आपको 4GB का रैम मिल जाएगा एंड 64GB इंटरनल मेमोरी मिलेगा। अभी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आपको Realme 5i लेना है या 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करके Redmi Note 8 लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा अगर आप एक्स्ट्रा 1000 रुपये खर्चा करेंगे तो आपको Redmi Note 8 में क्या बेहतर मिल जाएगा Realme 5i से। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा स्टूडियो का काम चल रहा था इसलिए मैं अपने रूम पे वीडियो शूट कर रहा था, फिर से मैं स्टूडियो में शूट करना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो अभी आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। और गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Realme 5i में आपको 6.5 इंच का एक HD+ डिस्प्ले मिल जाएगा जो वाटरड्रॉप नॉच के साथ आएगा और डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और Redmi Note 8 में आपको 6.3 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाएगा, वहां पर भी आपको वाटरड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा और डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। दोनों फ़ोन का लुकिंग आप देख सकते हैं, मुझे तो Redmi Note 8 का लुकिंग ज़्यादा बेहतर लगा। Realme 5i में आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, एक होगा 12 MP का मेन कैमरा, दूसरा होगा 8 MP का वाइड एंगल लेंस, तीसरा होगा 2 MP का मैक्रो लेंस एंड चौथा होगा 2 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा। फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा और Redmi Note 8 में भी आपको बैक साइड में 4 कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, एक होगा 48 MP का कैमरा जो सैमसंग के सेंसर के साथ आएगा, दूसरा होगा 8 MP का वाइड एंगल कैमरा, तीसरा होगा 2 MP का मैक्रो लेंस एंड चौथा होगा 2 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा। एंड फ्रंट में आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा जिसका अपर्चर होगा 2.0। दोनों फोन की बैक कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो 30 FPS पे रिकॉर्ड होगा। प्रोसेसर की बात करते हैं, Realme 5i और Redmi Note 8 दोनों में आपको सेम प्रोसेसर मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट मिल जाएगा जो डॉक्टर को 2.0 GHz के साथ आएगा। दोनों फोन में आपको 4GB का रैम मिल जाएगा एंड 64GB इंटरनल मेमोरी मिलेगा। 5i में आपको 5000 mAh का बैटरी पावर मिल जाएगा और जहां पर आपको 10W का एक स्लो चार्जर मिलेगा। और Redmi Note 8 में आपको 4000 mAh का बैटरी पावर मिल जाएगा जहां पर आपको 18W का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा, जो चार्जर आपको बॉक्स में ही मिलेगा जो बहुत ही बढ़िया बात है। अभी बात करूंगा इसका प्राइस। Realme 5i 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस है 8999 रुपये और Redmi Note 8 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस है 10000 रुपये। अगर आप Redmi Note 8 परचेस करेंगे तो आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करके Redmi Note 8 लेंगे तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा उसी के बारे में बात कर लेते हैं। Redmi Note 8 में आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाएगा जो 6.3 इंच के साथ आएगा, ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जहां पर आपको Realme 5i में आपको सिर्फ HD+ डिस्प्ले मिलेगा। Redmi Note 8 में आपको 48 MP का कैमरा मिल जाएगा बैक साइड में। Realme 5i में आपको बैक साइड में आपको 12 MP का मेन कैमरा मिल जाएगा और Redmi Note 8 में आपको फ्रंट में 13 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जहाँ पर Realme 5i में आपको फ्रंट साइड में सिर्फ आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। Redmi Note 8 में आपको सेल्फी कैमरा भी बहुत ही बढ़िया मिलेगा और बैक कैमरा भी बहुत ही बढ़िया मिलेगा। प्रोसेसर आपको दोनों फ़ोन में सेम देखने को मिल जाएगा। बैटरी परफॉर्मेंस आपको Realme 5i में आपको 5000 mAh का बैटरी परफॉर्मेंस मिल जाएगा, पर वहाँ पर आपको सिर्फ 10W का स्लो चार्जर मिलेगा और Redmi Note 8 में आपको 4000 mAh का बैटरी परफॉर्मेंस मिल जाएगा, पर वहाँ पर आपको 18W का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा, मतलब आपका फ़ोन बहुत ही फास्ट चार्ज हो जाएगा। लुकिंग आपको Redmi Note 8 में ज़्यादा बेहतर एंड प्रीमियम मिलेगा। तो मेरे ओपिनियन की बात करते हैं, आप खुद ही देखिए अगर आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो आपको क्या क्या बेहतर मिलेगा।
मेरे हिसाब से Redmi Note 8 ज़्यादा बेहतर स्मार्टफोन है 10,000 के अंदर में। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और इसी तरह आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी दबा देना। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, अच्छे से रहिए, सबको अच्छे से रखिए, जय हिंद।